अब जैसे ये इसका इस प्रकार से सर्किट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमारा ये बीजी जुड़ा हुआ है, जैसे वो बीजी जुड़ा हुआ है, देख लो। उसके बाद बीजी के साथ ये टैपिंग की जुड़ी हुई है। ओके, अब बात आती है यहाँ रियो स्टेट की, ठीक है। उसके बाद व्यू स्टेट, व्यू स्टेट के जैसे ये दो नीचे के सिरे हैं, तो ये एक पॉजिटिव आ गया इससे, ये इससे आके नीचे से जुड़ गया, और दूसरा ये माइनस आके इसके नीचे से जुड़ गया। अब यहाँ पर हम विवो विभाजक किसके मध्य लगाएंगे, इसके नेगेटिव सिरे। नेगेटिव सिरा कौन सा है ये, यानी हम जो नेगेटिव का कनेक्शन करेंगे इस सर्किट में वो किससे करेंगे, इस ऊपर वाले से, क्योंकि हम विवो विभाजक किसके मध्य लगा रहे हैं, नेगेटिव। बाकी पॉजिटिव का कनेक्शन डायरेक्ट ही सर्किट में करेंगे। देख लीजिए पॉजिटिव किन, पॉजिटिव सिरा किन किन में जा रहा है, एक तो संधारित्र में जा रहा है, एक बीजी में जा रहा है। तो देख ले ये पॉजिटिव सिरा किस में गया, संधारित्र में, और यही सेम ही ऐसा यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, एक बात है, और यहाँ से पॉजिटिव लेके हमने किस में कर दिया, बीजी में, ठीक है। ये हो गया किसका, बीजी का पॉजिटिव। अब बात आती है नेगेटिव, तो नेगेटिव में कौन सा लेते हैं हम, ये ऊपर वाला लेते हैं, तो ऊपर वाला लेकर किस में ले जा रहे हैं, कुंजी में, कुंजी में, ठीक है। और विभव यहाँ पर वोल्ट विभवांतर को नापने के लिए हम है जो विभव मापी को जोड़ेंगे, तो विभव मापी किसके समांतर क्रम में जोड़ दिया, इसके समांतर क्रम में। देख लीजिए पॉजिटिव इसका वोल्टमीटर का, और ये नेगेटिव यहाँ से जोड़ दो, यहाँ से जोड़ दो, एक ही बात है, वो मतलब इसके समांतर क्रम में जुड़ रहा है, कुंडला की बात ये। तो अब जैसे इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं, हाँ इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं, एक ही बात, यहाँ जुड़े यहाँ जुड़े, एक ही बात है ना। अब जैसे हम इसको वोल्टमीटर को नियंत्रण करने के लिए यहाँ जैसे ये काम में लेंगे हम व्यू स्टेट को, देख ले व्यू स्टेट को, मैं जैसे 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 मैं फेरों की संख्या कम कर रहा हूँ, यानी हम किसके मध्य लगाएं, इनके मध्य, तो जैसे इनके मध्य मैं फेरों की संख्या कम कर रहा हूँ, तो मेरा विभवांतर इंक्रीज हो रहा है, और फेरों की संख्या मैंने बढ़ा दी तो विभवांतर डिक्रीज हो रहा है। ये व्यू स्टेट वैसे तो समझ आ गई। अब सेकेंड बात आती है हमारी रीडिंग लेने की, कि रीडिंग कैसे लेनी। रीडिंग लेने के लिए पहले हम संधारित्र को चार्ज करते हैं 30 सेकंड के लिए, जैसे अभी ये दिखाई नहीं दे रहा, बाकी ये जैसे अभी हमने जीरो पे सेट कर दिया स्पॉट, ओके, ये अभी स्पॉट जीरो पे सेट कर दिया टैपिंग करके। अब रीडिंग लेने की शुरुआत करनी है, एक मिनट इसमें आप स्टॉप वॉच चालू करिए। जैसे इसमें 30 सेकंड तक हम चार्ज करेंगे, चार्ज करने के लिए किसका कनेक्शन करेंगे, संधारित्र का बैटरी के साथ कनेक्शन करेंगे। तो बैटरी के साथ संधारित्र कनेक्शन करने के लिए हम देखेंगे किस प्रकार से कनेक्शन पूरा हो रहा है। तो जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव होगा, अब नेगेटिव का कनेक्शन करना है, नेगेटिव कनेक्शन के लिए हम ये कुंजी कनेक्ट करेंगे, यानी हम ये कुंजी कनेक्ट करेंगे, और जैसे इस कुंजी को कनेक्ट कर दिया तो अब हमारा संधारित्र चार्ज हो रहा है, और ये हमारा जीरो पर स्टॉप है। अब जैसे यहाँ पर हम 30 सेकंड के बजाय मात्र 20 सेकंड ही चार्ज करेंगे पहले, ओके। और पहले धारिता को नोट कर लेना है कि धारिता कितनी है, और इसके साथ विभवांतर को हम सेट करके रखेंगे, सॉरी पहले हम विभवांतर को सेट कर देते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है, विभवांतर को सेट करना जरूरी। जैसे अभी हमारा विभवांतर जीरो है, ये जीरो पर नहीं होना चाहिए, यानी पहले हमें थ्रो सेट करना होगा। विभवांतर को लगभग हम रखते हैं पहले 0.4 रखते हैं, और धारिता को रखते हैं 0.6 माइक्रोफैरड, ओके। सर्वप्रथम इन दो चीज़ों को सेट कर दिया। इसमें आज हम विभवांतर को कांस्टेंट रखते हुए धारिता को चेंज करते हुए रीडिंग लेंगे। रीडिंग कैसे लेंगे, विभवांतर को कांस्टेंट रखते हुए धारिता को चेंज करेंगे। और एक दूसरा सेकंड तरीका रीडिंग लेने का क्या है, कि हम विभवांतर को चेंज करते हुए इसको कांस्टेंट रख कर भी रीडिंग ले सकते हैं, फोन बार, ठीक। अब जैसे इसको मैंने कितने पर कांस्टेंट कर दिया, व्यू स्टेट के द्वारा मैंने जैसे इसको सेट किया कितने पर, 0.4 पर, किसके द्वारा सेट किया, रजिस्टर के द्वारा, तो मेरा वोल्टेज कितना है, 0.4 वोल्ट, और धारिता कितनी है, 0.6 माइक्रोफैरड। अब मैं चेक करूंगा कि मेरा इस पर थ्रो कितना आता है, ये जैसे जीरो पर है, ये ध्यान रखना, हाँ टाइम स्टार्ट कर दो। अब हम इसको मात्र 20 सेकंड के लिए चार्ज करेंगे, ओके, ये टाइम चालू है जैसे, बड़े कैमरा क्लियरिटी बढ़िया नहीं आता था। म्यूचुअल इंडेक्स जैसे 20 सेकंड चार्ज हो गया तो हम फर्स्ट थ्रो देखेंगे कि फर्स्ट थ्रो कितना आ रहा है। ये लगभग फर्स्ट थ्रो 18 के आसपास है, नहीं ये 20 के आसपास आ रहा है, ओके, 20 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने अभी विभवांतर सेट किया वो मेरा विभवांतर सही है। अब जैसे माना कि मेरा थ्रो बिल्कुल कम आता है, 8 ही आता, तो मैं क्या करता, विभवांतर को अगेन बढ़ा के
इस थ्रो को इतना सेट करना, यह महत्वपूर्ण बात है कि थ्रो आपका लगभग 20 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसकी रीडिंग करना शुरू करेंगे। इससे पहले अभी हमने जिस थ्रो चेक किया, अब हम जो प्रोसेस करेंगे वो किसके लिए करेंगे, रीडिंग के लिए करेंगे। हाँ, इसको वापस जीरो पे करना है। हाँ, चेक किया मतलब विभंत्र इसके लिए पूरा है या नहीं, 20 हाँ 20 तक आना चाहिए लगभग। ओके, और यदि उसमें प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम किस वजह से होगी, विभंत्र की वजह से ही होगी। कुंजी यही काम लेनी है, रबड़ वाली काम लेनी है जो कि जिस पे रबड़ लगा हुआ, क्योंकि हमारा किसी भी शरीर का अंग इसके टच नहीं होना चाहिए। जैसे 20 सेकंड तक चार्ज करेंगे हम, और थ्रो नोट करने में सावधानी रखना कि फर्स्ट थ्रो हमारा कितना जाता है। उसके बाद ये फर्स्ट थ्रो जो जाएगा वो हमारा थीटा वन होगा, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हम नोट करेंगे। ओके, ये रीडिंग लेने का हमारा प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर जैसे 20 हो गया, तो फर्स्ट थ्रो ध्यान से कितना है, 18.5 है, तो ये थीटा वन लिखेंगे कितना, वो थ्रो गिन 7 हाँ 3, 4 को जैसे अगेन जीरो करना है। ठीक है, ये जैसे जीरो कर दिया। हाँ, ओके, जीरो कर दिया। हाँ, अब यहाँ पर हम विभवांतर कांस्टेंट रख रहे हैं और यहाँ पर लिख देंगे धारिता कितने पर लिए, ये 0.6 माइक्रोफेड पर ली। इसी प्रकार से अब धारिता चेंज करेंगे, 7 करेंगे। ठीक है, ये लेंगे हम 0.7 माइक्रोफेड। ओके, अब इसमें फिर अगेन 20 सेकंड तक चार्ज करेंगे और यही हमारा यहाँ पर रीडिंग लेने का प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर जैसे वोल्टेज हमने कितना कांस्टेंट रखा, ये वोल्टेज कांस्टेंट रखा, इसको हमें फिक्स ही रखना है, वोल्टेज इसको फिक्स ही रखना, और रीडिंग लेने का एक्चुअली यही प्रोसेस रहता है। ओके, अभी हमने जैसे रीडिंग लेने का प्रोसेस देखा, तो इसमें प्रोसेस क्या था, जैसे ये हमारा सर्किट था तो जिसमें हमने पहले इनको कनेक्ट करके संधारित्र को चार्ज कर रहे थे, उसके बाद थ्रो नोट कर रहे थे। यहाँ पर हम संधारित्र में अलग अलग धारिता ले रहे थे, जैसे हमने कितनी धारिता ली, यहाँ पर 0.6 माइक्रोफेड ली, 7 ली, 0.7 ली, 0.8 ली, तीन रीडिंग ली हमने। और जैसे 0.8 पर हमारा यह थ्रो 24.5 आ गया, तो हम अगेन जो नेक्स्ट रीडिंग यदि नोट करना चाहेंगे तो वो रीडिंग हम 0.5 पर लेंगे। यानी हम यहाँ पर इस प्रकार से एडजस्ट करके लेंगे कि लगभग हमारी 5 रीडिंग्स आ जाए। वैसे रिजल्ट तो हमारा 3 रीडिंग में आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से 5 रीडिंग उपयुक्त रहेगा। तो जैसे 0.6 माइक्रोफेड पर हमने रीडिंग ली, तो फर्स्ट थ्रो हमारा ये आया, 11 ये आया, इसका अनुपात ये आया। यहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू ज्ञात कर ली, लेमडा का यह फॉर्मूला होता है, उसके बाद लेमडा बाई 2 ज्ञात कर लेना है। ठीक इसी प्रकार से 0.7 के लिए, 0.8 के लिए, और हमारा विभवांतर कितना कांस्टेंट है, 0.4 वोल्ट। यह कैसे नियंत्रित करना, कैसे सेट करना, वो अभी हमने सीखा पूरा। ये थीटा 1 और थीटा 11 लेना भी सीखा, और इसकी जैसे हमने यहाँ पर ये कैलकुलेशन की, तो हमारे पास के इज इक्वल टू आता है इनका सब का माध्य लेने पर। ये हमारा फॉर्मूला देख लो आप, जो कुछ हो रहा है, के इज इक्वल टू हमारे पास आया, ये आया जिसको आगे हमने इस पर कन्वर्ट किया, तो 1.2 × 10⁻⁸ कूलम पर सेंटीमीटर। यहाँ विशेष रूप से मात्रक का ध्यान रखें, जैसे यदि हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁹ कूलम पर mm। ओके, माई सेल्फ सुरेंद्र खिलेरी, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आपको भविष्य में इस प्रकार के और बेटर सेवाएं प्रोवाइड करवा सकूं। और इस वीडियो में यदि आपको कोई गलती लगे तो वो आप इग्नोर न करते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उसमें सुधार किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर अन्य प्रैक्टिकल वीडियो भी मिल जाएंगे। कोई वीडियो यदि है इससे रिलेटेड तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ।